हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई के लिए भी इफ द फोर लेटर वर्ड नीड नोट टू बी मीनिंगफुल फोर लेटर के वर्ड बनाने हैं जो जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुल हो आर टू बी फॉर्म यूजिंग द लेटर फ्रॉम द वर्ड मैडी इस वाले वर्ड से कोई से फोर लेटर लेके हमें वर्ड्स बनाने इस तरह से बनाने की फर्स्ट लेटर इज़ आर जो भी वर्ड बनेगा उसमें पहला लेटर आर होना चाहिए और फोर्थ लेटर ई होना चाहिए तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे ये हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात देखेंगे कि हमें फोर लेटर वर्ड बनाने तो पहले प्लेस पे उसने बोला आर होना चाहिए और दूसरे प्लेस पे ई होना चाहिए इसका मतलब हम दो लेटर को यहां से हटा देते हैं इनको हमने यहाँ पे पहले ही सेलेक्ट कर लिया अब जो बाकी लेटर्स बचे हैं उनमें से हमारे क्या क्या बचे हैं आप देखेंगे ध्यान से उनमें से दो बार तो ई है जो बचे हैं हमने दो बार ई दो बार ए, दो बार ए दो बार एन इसके अलावा एम डी आई टी आर ये लेटर्स और बचे हैं अभी तो अब हमें इन सबको लेके यहाँ पे दो प्लेस को फिल करना है तो यहाँ पे हमारे दो केस बनते हैं जो फर्स्ट केस है वो ये है कि इन दो पे अगर हम दोनों सेम लेटर ले लें तो या तो ये दोनों या ये या ये इनमें इनमें से कुछ भी ले लें तो हमारे पास तीन वर्ड बनेंगे कैसे या तो ई ई आएगा दोनों जगह या ए ए या एन एन और इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास तीन पेयर हैं तीन में से हमें एक पेयर लेना है यहाँ पे तो थ्री सी वन तो तीन वर्ड तो ये बन गए छोटा सा ही क्वेश्चन है वैसे और अगर हम फोर्थ केस की थर्ड के सॉरी सेकेंड केस की बात करें तो उसमें हमारे पास दो प्लेस को फिल करने के लिए कितने डिफरेंट टाइप के लेटर हैं एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ एट डिफरेंट लेटर हैं। तो पहले प्लेस के लिए हमारे पास एट चॉइस होंगी और दूसरे के लिए होंगी सेवन तो ऐसे बनेंगे टोटल फिफ्टी सिक्स मतलब इसको परमोटेशन से भी कर सकते हैं एट पी टू क्योंकि एट लेटर में से दो को अरेंज करना है या ऐसे भी कर सकते हैं फिफ्टी सिक्स तो टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे फिफ्टी नाइन तो ये हमारा आंसर हो गया तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है तो ये क्वेश्चन था उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा थैंक यू वेरी मच